नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है Vivo T1 5G। दोस्तों हम देखने वाले कि आप किस तरीके से अपने इस फोन में ऐप लॉक का यूज कर सकते हो और अगर आपको किसी भी ऐप को हाइड करना हुआ तो आप पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ उस ऐप को हाइड भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको किस तरीके से ऐप लॉक का सेटअप करना है। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी में आपको जाना है और आपको मिलेगा ऑप्शन प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन। आपको इसे ओपन करना है और आपको सबसे पहली बार अपना जो पासवर्ड है उसे सेट करना है ऐप लॉक और हाइड ऐप्स को यूज करने के लिए। तो आप इस पासवर्ड टाइप को यूज करना चाहते हो 6 डिजिट वाले तो आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको चेंज करना हुआ तो आपको इस पर टैप करना है और आप पैटर्न या फिर 4 डिजिट पासवर्ड भी यूज कर सकते हो। तो हम करेंगे 4 डिजिट पासवर्ड और मैं अपना पासवर्ड यहां पे सेट कर दूंगा, वापस आपको कंफर्म करना है। तो हमारा जो पासवर्ड है सेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं। आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो टैप करके। ये इसलिए जरूरी है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने जो आंसर यहाँ पे रजिस्टर किए हैं वही आपको आंसर देना पड़ेगा, फिर आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो मैं क्वेश्चन कोई भी चूज करता हूं और बाद में आंसर भी फिलअप कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने आंसर फिलअप कर दिए है, अब आपको करना है डन। तो हम सबसे पहले करेंगे ऐप लॉक का सेटअप। जो ये लिखा है ऐप इंक्रिप्शन, उसका ही मतलब होता है ऐप लॉक। तो आपको इसे ओपन करना है और कौन कौन से ऐप्स को आपको लॉक करना है, ऐप लॉक में ऐड करना है, आपको उन्हें यहां पे सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो एल्बम को करना है मुझे, तो मैंने इतने सारे जो ऐप्स है उन्हें कर दिया है ऐड, ठीक है। आपको जो भी ऐड करने हैं ऐप लॉक में आप उन्हें ऐड कर सकते हो। तो इतना करने के बाद जो ऐप्स होंगे ये ऐप लॉक में ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं इन ऐप्स को अब ओपन करूंगा, जैसे मान लो मुझे प्ले स्टोर को ओपन करना है, तो आप देखोगे प्ले स्टोर पासवर्ड के साथ ओपन होगा। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड यहां पे एंटर कर सकते हो और जैसे आप पहली बार पासवर्ड एंटर करोगे आपको पूछा जाएगा कि आपको फिंगरप्रिंट भी यूज करना है। तो जैसे मैं पासवर्ड एंटर करूंगा मुझे पूछा जाएगा कि क्या आपको फिंगरप्रिंट यूज करना है, तो आप करिए टर्न ऑन। तो अब आप फिंगरप्रिंट भी यूज कर पाओगे, आपको स्कैन करना है और आपका जो ऐप होगा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपको एल्बम को ओपन करना है तो यहां पे भी आपको पूछा जाएगा ऐप लॉक का पासवर्ड, लेकिन आप फिंगरप्रिंट का यूज करके भी इसे अनलॉक कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो आप 2 तरीके से अपने ऐप लॉक को अनलॉक कर सकते हो, फिंगरप्रिंट का यूज करके या फिर पासवर्ड को एंटर करके। लेकिन यहां पे एक चीज आप नोटिस करोगे, मान लो मैंने प्ले स्टोर को ओपन किया था, वापस मैं अगर इसे ओपन करूंगा तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा बिना पासवर्ड के। अगर मैं वापस एल्बम को ओपन करूंगा तो ये भी बिना पासवर्ड के ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो अब ऐप लॉक काम कब करेगा, जब आप अपने फोन को लॉक करोगे और फिर वापस उसे अनलॉक करोगे और जब आप उस ऐप को ओपन करोगे तब ऐप लॉक काम करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो कि जब भी मैं किसी ऐप को ओपन करूं तो जब कभी मैं उसे ओपन करूं तो हमेशा के लिए ऐप लॉक पूछा जाना चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है उसी ऐप लॉक की सेटिंग्स में। तो आप जाइए सिक्योरिटी में, ऐप इंक्रिप्शन में, और आपको जो ये ऐप लॉक है उसे ओपन करना है ऐप इंक्रिप्शन। उसमें सबसे ऊपर में ऑप्शन होता है ऐप लॉक टाइम, आपको इसे करना है सेकंड सिलेक्शन व्हेन द स्क्रीन इज लॉक्ड और ऐप इज क्लोज्ड, इस पे करना है। अब आप देखोगे अगर मैं प्ले स्टोर को ओपन करूंगा तो मुझे पूछा जाएगा पासवर्ड, वापस अगर मैं इसे क्लोज करके ओपन करूंगा तो मुझे पूछा जाएगा पासवर्ड। तो आप इस तरीके से आप जितनी बार उसे ओपन करोगे उतनी बार आपको पासवर्ड पूछा जाएगा ऐप लॉक में इस तरीके से। और एक अच्छी बात यह इसमें कि जो भी ऐप आप ऐप लॉक में ऐड करते हो उसका जो प्रीव्यू होगा रिसेंट ऐप्स में वो ब्लर में शो करेगा। आप यहां पर देख सकते हो एल्बम मैंने ऐप लॉक में ऐड किया है तो इसलिए उसका जो प्रीव्यू है ब्लर में शो कर रहा है, प्ले स्टोर भी ब्लर में शो कर रहा है और जो मैसेज है वो भी ब्लर में शो कर रहा है। तो जो भी ऐप आप ऐप लॉक में ऐड करते हो इस तरीके से ब्लर व्यू में शो करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपको किसी भी ऐप को हाइड कैसे करना है। तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी में, प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में, फिंगरप्रिंट स्कैन कीजिए और आपको मिलेगा नीचे ऑप्शन हाइड ऐप का, ऐप लॉक के नीचे मिलेगा आपको ऑप्शन हाइड ऐप का, आपको इस पर टैप करना है और आपको जो भी ऐप हाइड करने हैं आपको उन सभी को इनेबल करना है, ऑन करना है। जैसे मैं चाहता हूं फेसबुक, तो यहां पे आपको इस पर टिक करना है और करिए ओके। इसके अलावा गूगल पे, एमोडवी, इंस्टाग्राम, जोश, कोटक बैंक। तो हमने अब इन ऐप्स को हाइड कर दिया है, इसका मतलब है कि अगर आप जाओगे ऐप ड्रॉअर में और उन्हें यहां पे देखोगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीपे, कोटक बैंक, तो आपको यहां पे शो नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहां पे सर्च भी करोगे तो भी आपको जो ऐप्स होंगे वो शो नहीं करेंगे क्योंकि आपने उन ऐप्स को हाइड कर दिया है। लेकिन मान लो जो भी ऐप्स आपने हाइड किए हैं उन ऐप्स को आपको देखना है, एक्सेस करना है, यूज करना है, तो कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको
जाना है सेम सेटिंग्स में, हाइड ऐप्स की सेटिंग्स में जाना है और इसमें आपको जो हाइड ऐप है उसे ओपन करना है और ये जो ऑप्शन है ना व्यू हिडन ऐप्स आपको इसे ऑन करना है और यहाँ पे पासवर्ड को भी इनेबल करना है। इसका मतलब है कि बिना पासवर्ड के आप हिडन ऐप्स को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आपको अब इसे ओपन कैसे करना है, तो मान लो अगर आपको हिडन ऐप्स को देखना हुआ तो आपको होम पेज पे मतलब किसी भी पेज पे दो फिंगर से स्वाइप अप करना है इस तरीके से। तो ये है हिडन ऐप्स का पेज, आपको इसे ओपन करना है पासवर्ड देके और फिर ये रहे आपने जो ऐप्स हिडन किए थे। आप अगर इनमें से किसी को भी यूज करना चाहते हो तो आप इसे ओपन कीजिए और इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। अब जैसे आप इसे क्लोज करोगे और अगर आप जाओगे रिसेंट ऐप्स में तो आपको ये यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। अच्छी बात है कि अगर आप किसी भी हिडन ऐप्स को एक्सेस करते हो और फिर आप उसे ओपन करते हो और फिर क्लोज करते हो तो आपको रिसेंट ऐप्स में वो शो नहीं करेगा। आप देखोगे गूगल पे भी अब रिसेंट ऐप्स में शो नहीं करेगा, तो ये अच्छा है ठीक है। लेकिन अगर आप इसे ऐसा यूज करना चाहते हो तो आपको जो सेटिंग्स है इसे ऑन करनी पड़ेगी। हाइड ऐप में आपको हाउ एंड व्हेन टू हाइड ऐप्स, इन दोनों ऑप्शन को आपको इनेबल करना है, तब जाके ये जो ऑप्शन है काम करेगा। अगर आप इसे दोनों को डिसेबल कर दोगे तो आप देखोगे अगर मैं ऐप्स को ओपन करता हूं किसी भी हिडन ऐप्स को तो जो ये ऑप्शन है काम नहीं करेगा। गूगल पे ओपन मैंने किया है, अब मैं इसे क्लोज करूंगा, वापस फिर मैं देखूंगा रिसेंट ऐप्स में तो ये शो करेगा। इसलिए आपको इन दोनों ऑप्शन को ऑन करना है हाइड ऐप में जाकर, ताकि आप जब कभी भी हिडन ऐप्स में से बाहर निकलो तो ऑटोमेटिकली जो ऐप होगा वो क्लोज हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं अगर इसे ओपन करूंगा आप इंस्टाग्राम को तो क्लोज करने के बाद ये मुझे यहाँ पे नहीं शो करेगा। और आपको अगर ऐप्स को देखना होगा कि कौन कौन से आपको आपने हाइड किया है तो आप यहां से भी देख सकते हो डायरेक्टली, यहां से भी ओपन कर सकते हो। आपको इस पर टैप करना है और आप जो ऐप्स है यहां से भी ओपन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप किसी भी होम पेज की स्क्रीन में आपको दो फिंगर से स्वाइप अप करना है और आप यहां से भी हिडन ऐप्स को ओपन कर सकते हो बड़ी आसानी से। दोस्तों तो आप इस तरीके से अपने Vivo T1 5G के फोन में ऐप लॉक और हाइड ऐप्स का यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, सिक्योरिटी में, प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में, और आप यहां से ऐप लॉक और हिडन ऐप्स को सेटअप कर सकते हो। दोस्तों तो ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।